क्या क्रिएटिव लड़का ने अपना चैनल लोगो चेंज कर लिया? अबे क्रिएटिव तेरा चैनल कैसे हैक हो गया? तूने कोई लिंक पे क्लिक किया था क्या? अरे नहीं भाई। अबे टू स्टेप वेरिफिकेशन क्यों नहीं लगाता है? अबे मुझे अभी ईमेल करता हूं मैं उसे। चुप, पहले सुन तो ले मेरी बात। तो मैंने कोई ईमेल पे क्लिक नहीं किया, किसी लिंक पे क्लिक नहीं किया, किसी भी चीज पे क्लिक नहीं किया, किसी फिशिंग वेबसाइट पे नहीं गया मैं। मैंने ना कहीं सस्पिशियस लॉगिन किया किसी ऐसी साइट पे जो कि मेरे को मतलब अजीब लगे, लेकिन फिर भी मेरा चैनल हाईजैक हो गया एंड YouTube गॉट इट बैक फॉर मी। तो थैंक यू YouTube एंड थैंक यू आप सभी को जिन्होंने भी मेरे को ट्विटर पे सपोर्ट किया। और ऐसी चीजें जब होती है तो मैं ट्विटर और इंस्टा पे करता हूं, तो वहां पे फॉलो कर सकते हो। सॉरी प्लग मार दिया। तो अब वापस आ चुका है चैनल और हम वेजिटा गॉड में बदल चुके हैं। ये लेकिन मोरो अर्थ में बदल गया। रुको रुको रुको, न्यू वीडियो का आइडिया मिल गया। तो आप सभी का स्वागत है टॉप 5 रीजंस व्हाई मोरो आर्क सक्स। शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, ओपी 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 ओवरपावर्ड। हमने ड्रैगन बॉल में बहुत सारे ओपी करेक्टर्स देखे हैं और रियल लाइफ में भी, जैसे कि मेरे फैंस मुझे कहते हैं क्रिएटिव ओपी, कमेंट में स्पैम कर दो प्लीज, मजा आ जाएगा। क्रिएटिव मोरो को इस आर्क में इतना ज्यादा ओवर पावर कर दिया है ना कि एक टाइम को ऐसा लग रहा था कि विस को आना पड़ेगा क्या इसे मारने के लिए। सीरियसली ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि ये जिरेन से ज्यादा ताकतवर है? आई मीन मैंने ये पॉइंट पहले मार रखा है, लेकिन फिर से स्टिल मोरो हमारी गली का वो बकरा है जो खा पी के कटने के टाइम पे भाग जाता है और फिर सोचता है कि मैं इमोर्टल हूँ। एक बकरे को मसल्स और ह्यूमन फेस भी दे दो तब भी वो बकरा ही है। और उसे थोड़ा और स्पेशल दिखाने के लिए तुम उसे ब्रा भी पहना सकते हो। क्यों? एनीवेज इस आर्क में एक सीन आता है जब मीरस को खुद अपनी एंजेलिक पावर्स यूज करनी पड़ती है मोरो के खिलाफ, ताकि गोकू के लिए आसान हो जाए मोरो को मारना। मतलब मीरस के बिना तो गोकू कुछ कर ही नहीं पाता। मैं जानता हूँ कि मीरस गोकू का एक टीचर है, एक अच्छा फ्रेंड है, लेकिन गोकू को अकेले करने दो ना। जहाँ वेजिटा को होना चाहिए वहाँ वेजिटा नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? और मैं यार तुम लोगों पे क्यों चिल्ला रहा हूँ, टोयोटारो कहाँ है? हेलो इज इट टोयोटारो? कोनिचिवा दारे देसु का? छिंग छोंग छिंग छेंग। हेलो दिस इज 911, व्हाट इमरजेंसी सर्विस डू यू रिक्वायर? एफबीआई ओपन अप। अरे भाई भैया मार क्यों रहे हो, नॉर्मी हो क्या? नंबर 4, लेस टोरियामा एसेंस। टोरियामा की लिखी गई मांगा काफी ज्यादा एंजॉयबल होती है और उसमें कैनन फील आता है। जानता हूँ काफी सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हैं उससे रिलेटेड, लेकिन फिर भी उनका राइटिंग स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है। और दूसरी तरफ टोयोटारो की लिखी गई चीज जो होती है वो काफी इमीडिएट होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आई नो टोयोटारो ने अभी तक सिर्फ मोरो आर्क ही लिखी है, लेकिन आगे आने वाले ज्यादातर चैप्टर टोयोटारो खुद लिखने वाला है गाइस। तो एक टाइप से हमारे ड्रैगन बॉल का फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है। पहले जब टोरियामा लिखता था तब लगता था कि टोयोटारो शायद बेटर लिख सकता है, लेकिन अब मुझे वापस से फीलिंग प्राउड टोरियामा आर्मी में जाना है। नंबर 3.5, क्रिएटिव लड़का और क्रिएटिव प्लेस को सब्सक्राइब करो। यू नो आप रोज एक डिसीजन लेते हो और उससे आपका फ्यूचर रोज चेंज होता है, और हो सकता है अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब किया होता तो मोरो आर्क बहुत अच्छी होती। यू नेवर नो, अभी भी टाइम है सुधारने का अपने आप को, तो कर सकते हो, देख लो भाई। और गेमिंग चैनल पे भी मस्त मस्त नई गेम्स भी खेलना चालू कर रहा हूँ यार, देख लो भाई। क्योंकि मैं तो तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी तक सब्सक्राइब कर चुका होता, तुम्हारा पता नहीं। नंबर 3, स्टोरी स्विंग्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन अ स्प्लिट सेकेंड। जैसा कि मैंने पॉइंट 4 में कहा था कि टोरियामा के डिसीजन काफी सटल होते हैं, और वहीं टोयोटारो के डिसीजन एकदम इमीडिएट होते हैं। कि मतलब एक टाइम पे मोरो ड्रैगन बॉल ढूंढ रहा है और दूसरे टाइम पे गोकू वेजिटा वहां पे डेड दिख सकते हैं तुम लोगों को, तो ऐसा रहता है टोयोटारो के साथ। फॉर एग्जाम्पल गोकू वेजिटा अभी स्पेसशिप में बैठे हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि मोरो कहाँ है, उससे लड़ते हैं, लेकिन अचानक से गोकू कहता है मीरस मैं तुम्हें पंच मार रहा हूँ, उसे मुक्का मारता है और फिर उससे ट्रेनिंग करने चला गया। वेजिटा कह रहा चलो मैं भी ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, क्या चल रहा है? और टोरियामा वहाँ आराम से बैठ के कह रहा है। नंबर 2, मोरो चेंजेस टू ऑफन। घंटा किसी की पसंद नहीं है मोरो। इतनी जल्दी तो क्रिएटिव लड़का अपने नाम नहीं बदलता जितनी जल्दी मोरो अपना शरीर बदलता है। ओ हाँ मैं ये बात भूल गया था कि ये ड्रैगन बॉल है और इसमें जो भी बंदा जितनी भी बार बदलता है तो पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। कीप इट अप। नंबर 1 पे आने से पहले मैं आपको कहूंगा कि गाइस प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो,
100K पे पहुंचने वाला हूँ, इस गरीब आदमी का भला हो जाएगा यार, सब्सक्राइब कर दो। क्या जा रहा है तुम्हारा? एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा के लिए बंधन नाता जुड़ जाएगा, तो अनसब्सक्राइब भी तो कर सकते हो प्लीज। मजा नहीं आ रहा क्या? चलो एक्साइटिंग बनाता हूँ। तुम्हें पता है मेरा रियल नेम क्या है? तुम्हें ये तो पता है मैं दिखता कैसा हूँ, पर क्या सही में मैं वैसा दिखता हूँ? हो सकता है ये जो बंदा आप देखते हो ये एक पेड एक्टर हो जो मेरे लिए काम करता है, और क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरी असली आवाज है? हो सकता है मेरी असली आवाज ऐसी हो, या हो सकता है मेरी आवाज ऐसी हो, यू नेवर नो। मेरी आवाज आईटी है। क्रिएटिव लड़का रियलिटी रिवील एट 100 के सब्सक्राइबर्स। और फाइनली जिसका सबको इंतजार नहीं था, वो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इस वजह से आप एंड तक देख रहे हो। लेकिन नंबर 1, अडेप्टेशन ऑफ नोस्टैल्जिया माइट टर्न टोयोटारो इनटू नोस्टैल्जिया। तो फाइनली हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बर्बाद हो रखी है मोरो आर्क, वो है कॉपी करना एंड पिछला पास रिपीट करना। सेंजुबिन सेल सागा की कॉपी, एक स्पेस बेस्ड विलेन फ्रीजा की कॉपी, मैजिक माजिन बू, एंड्रॉइड ईटिंग सेल, ज्यादातर पैनल्स ओरिजिनल ड्रैगन बॉल से चुराए हुए। इज देयर एनीथिंग That needs explanation? इस टाइम पे टोयोटारो अपने खुद की स्टोरी तो रखना चाहता है हमारे सामने, लेकिन उसे एक नॉस्टैल्जिक ड्रैगन बॉल फील देने के लिए उसने पिछली चीजों को अडेप्ट करने की कोशिश करी और उस वजह से पूरी मांगा हक गई। मोरो एक इतना कॉपीड विलेन है कि अब वो ओरिजिनल लगता ही नहीं है देखने से, ऐसा लगता है किसी एनिमे से मिक्सअप करके विलेंस को लाके सामने खड़ा कर दिया है। हैशटैग जस्टिस फॉर यंग जीजी। जब मैं मोरो आर्क को देखता हूँ ना तो मेरे को बिलीव नहीं होता ये उसी बंदे ने बनाई है जिसने ड्रैगन बॉल AF जैसी एक कमाल की मांगा लिखी थी। ड्रैगन बॉल AF इज एन एग्जांपल टू ओरिजिनल स्टोरी राइटिंग एंड मोरो आर्क इज एन एग्जांपल टू कॉपी एंड अडेप्टेशन। एज एन आर्टिस्ट मेरे को पता है यहाँ पे क्या चीज हो सकती है जिसकी वजह से टोयोटारो इतने ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे इस आर्क में। हो सकता है कि शुरुआत में मोरो आर्क उसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट एंड गूज़बम्प दे रही हूँ, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई उसके मन में कोई नई स्टोरी आई और मोरो आर्क से उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लग गया, इस वजह से वो इस टाइम पे कुछ भी कर रहा है। तो वो कह रहा है बस खत्म कर रहा हूँ मैं इसे। वो पहले खत्म कर सकता था लेकिन टू मेक इट लिटिल बिट एपिक ही ट्राइड टू बीइंग नॉस्टैल्जिक एंड ऑल। और मैं इंग्लिश में क्यों बदल जाता हूँ अचानक से? जो भी यहाँ पे आर्टिस्ट होंगे वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि जब तुम एक प्रोजेक्ट लेते हो और तुम उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, लेकिन मिड वे में अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया आ जाता है किसी और प्रोजेक्ट का, तो तुम्हारा करंट प्रोजेक्ट उससे एफ अप हो जाता है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? एंड वीडियो का टाइम बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है तो आई शुड स्टॉप इट राइट हियर। तो ओके, मैं 8 मिनट करने की कोशिश कर रहा था एंड सीम्स लाइक कि अब 8 मिनट तक वीडियो पहुंच जाएगी, क्योंकि 8 मिनट से मैं ज्यादा एड्स लगा पाऊंगा, रेवेन्यू ज्यादा आएगा। झूठ क्यों बोलूं मैं, वो बात अलग है। इतनी कम वीडियो डाली है कि रेवेन्यू कुछ भी नहीं बनेगा इस महीने का, लेकिन कोई बात नहीं, झेल लेंगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, तुम क्यों नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब? करो। अच्छा हाँ, तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, डिस्क्रिप्शन तो पढ़ ही लिया हो। एक मिनट, तुमने डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ा? वेट, वहीं रुक जाओ, अब डिस्क्रिप्शन पढ़ने मत जाना बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ डिस्क्रिप्शन में अब मैंने कुछ रखा ही नहीं है, कमेंट मैंने जो पिन किया है ना उसके रिप्लाई में है। जाओ अब तुम। ओके देन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये कुछ इंडियन एनिमे आर्टिस्ट हैं, अगर आप इन्हें सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उनको जाके उनकी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं एंड उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी आर्ट इसी तरह फीचर हो मेरी वीडियो में, तो इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग करके उसे पोस्ट कीजिए। अगर मेरे को पसंद आई तो मैं ज़रूर उससे फीचर कर दूंगा। Creative.